KGF 2 डीले पर क्या है फैंस का क्रेजी रिएक्शन? रिलीज डेट डीले करने से फिल्मों पर क्या असर पड़ सकता है? क्या KGF 2 को भी डीले का भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है? जब से KGF 1 ने बॉक्स ऑफिस पे तूफान मचाया है, तभी से इसके मच एंटिसिपेटेड सेकंड चैप्टर को जल्द से जल्द लाने की मांग की जा रही है। और अगर कंडीशंस नॉर्मल होती तो अब तक तो रॉकी भाई अपना जलवा चारों ओर दिखा चुके होते, लेकिन यहाँ भी काम खराब कोविड पैंडेमिक ने ही किया है। इसकी वजह से पहले शूट में खलाल पैदा हुआ और फिर रिलीज में, लेकिन अब फैंस के सब्र का बांध भी टूटा जा रहा है। इसी एंगर, फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट को फैंस ने सोशल मीडिया पे भी जाहिर किया। इसी बारे में करते हैं आज बात और साथ ही जानेंगे KGF 2 पर डिले का असर। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है बॉलीग्राड स्टूडियो, जहां मैं हूं आपकी होस्ट तेजल। कोविड के इस अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में KGF 2 टीम वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जहां अभी फिल्म रिलीज करना ना तो खतरे से खाली होगा और ना ही मुनाफे की डील होगी, लेकिन फैंस चाहते हैं कि मेकर्स जल्द से जल्द फिल्म को रिलीज कर दें। क्रेजी फैंस ट्विटर पे अपना उत्साह और नाराजगी दोनों ही जता रहे हैं। कुछ फैंस ने तो इसे सिर्फ अपडेट डिमांड तक रखा है, वहीं कुछ ने इस सिचुएशन को शोले के फेमस वीरू और टंकी वाले सिचुएशन से कंपेयर किया है। फैन ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और ओमले फिल्म्स को वार्निंग भी दे डाली कि अगर 5 बजे तक अपडेट ना मिली तो वो सुसाइड कमिट कर लेगा। अब ये मैटर कितना सीरियस है या सिर्फ एक धमकी है, ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात जरूर है, KGF 2 हाइप अब बढ़ते बढ़ते हद से पार हो चुकी है। अनुमान ओवर डिले की वजह से फिल्म्स को फायदे से ज्यादा नुकसान ही पहुंचता है। कई बार फिल्म की बनी बनाई हाइप भी घट जाती है और साथ ही फिल्म पे लगे पैसे पर भी इंटरेस्ट काफी बढ़ जाता है। 2020 में जो भी फिल्म्स डिले हुई है, इन सभी को इन दोनों फैक्टर्स के चलते ही भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। वहीं इससे पहले भी 2013 में रिलीज कमल हासन स्टारर विश्वरूपम को भी डिले की वजह से ही 60 करोड़ तक का नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन KGF 2 डिले का शायद उतना खास इम्पैक्ट देखने को ना मिले जितना विश्वरूपम और अन्य फिल्म जो 2020 में रिलीज होगी। KGF एक ब्रांड की तरह बन के उभरी है, जिसने लॉकडाउन पीरियड में भी अपने फैंडम में इजाफा ही किया है इसके टेलीविजन टेलीकास्ट से। जैसे ही कंडीशन नॉर्मल होगी, ये फैंडम 100% थिएटर ऑडियंस में तब्दील हुआ दिखेगा, इसलिए इतनी बड़ी फिल्म को खासा नुकसान का कोई डर नहीं है। ये जरूर है कि फिल्म के बजट का इंटरेस्ट रेट थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर मेकर्स अपने कंटेंट पर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस लॉस को वो एक दिन में चुकता कर सकते हैं। हालांकि KGF 2 के डिले होने का वाजिब कारण भी है, वो है अधीरा का वॉइसलेस होना। बस जैसे ही पोस्ट प्रोडक्शन का ये काम पूरा होगा, हमें फिल्म में नई अपडेट भी मिल जाएगी। इन्हीं तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ, और इसी के साथ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इससे चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ। बढ़ जाएगा, लेकिन फिर मेकर्स अपने कंटेंट पर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस लॉस को वो एक दिन में चुकता कर सकते हैं। हालांकि KGF 2 के डिले होने का वाजिब कारण भी है, वो है अधीरा का वॉइसलेस होना। बस जैसे ही पोस्ट प्रोडक्शन का ये काम पूरा होगा, हमें फिल्म में नई अपडेट भी मिल जाएगी। इन्हीं तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ, और इसी के साथ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इससे चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ।